नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने बक्सर लाठी चार्ज घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। बनारपुर गांव में पीड़ित किसानों से मिलने पहुंचे सुधाकर सिंह ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस वालों ने आधी रात को घरों में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं, बिहार के किसानों से बात करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। यहां के 80% लोग अब भी कृषि पर निर्भर हैं। तो लगातार सुधाकर सिंह हमलावर रहे हैं और एक बार फिर अब बक्सर के मामले को लेकर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जो लोग भी समाधान यात्रा पर निकले हैं, उनको पहले किसानों से बात कर लेनी चाहिए और उनकी समस्याओं को देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर अब भी एक बड़ी आबादी है। करीब PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 80% लोग हैं प्रदेश के जो किसान और खेती पर निर्भर हैं, तो खेती किसानी पर निर्भर लोगों के बारे में उन्होंने बताते हुए निशाना साधा है और बक्सर मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। अपने ही राज्य की पुलिस अपने ही लोगों पे बेरहम तरीके से रात को 12 बजे घर में घुसकर लाठी चलाएगी, कल्पना से परे। वो जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र की हम रक्षा के लिए आए थे, हम बिहार में न्यायपूर्वक शासन चलाने के लिए आए थे, उन लोगों के द्वारा ऐसा। इसलिए मैं तेजस्वी जी से मांग करता हूँ, हमारे उप मुख्यमंत्री, कि पूरे घटना का न्यायिक जांच कराएं और दोषी तत्वों को कड़ी कार्रवाई करें और किसानों पे जो फर्जी मुकदमे हैं उसको वापस लें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर में पुलिस की बर्बरता के विरोध में मौन व्रत रखा। उन्होंने ट्वीट किया, आध्यात्म और धर्म की नगरी बक्सर में किसानों पर हुई पुलिस की बर्बरता बिहार सरकार की दमनकारी नीतियों और श्री रामचरितमानस ग्रंथ के अपमान से अत्यंत दुखी हूं। बिहार के कल्याण और शांति के लिए बक्सर के डॉक्टर अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे मौन व्रत रख रहा हूं। और बक्सर के बनारपुर गांव पहुंचे चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं, जो अपने हक की मांग कर रहे हैं उन पर सरकार की पुलिस लाठियां चला रही है। बक्सर के बनारपुर गांव के किसान अपने जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे थे तो रात में पुलिस पिटाई कर रही है। छात्र शिक्षा मांगे तो उनको पीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री एक बार भी किसानों से मिलने नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार जी के पास हर समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है लाठी। लाठी ही उनके पास हर समस्या का समाधान है। और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो खुद हर समस्या की जड़ में हो, उनसे किसी तरीके की समाधान की अब उम्मीद भी रखना बिहार और बिहारियों ने छोड़ दिया। समाधान की जरूरत आज यहाँ पे थी। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी आज किसानों के बीच है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने एक बार यहाँ पर आना जरूरी समझा या छात्रों से मिलना जरूरी समझा? या PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।